अलीगढ़ जिले से जुड़े हरियाणा के बॉर्डर पीपली गांव और जिले के अन्य बॉर्डरों पर कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आने जाने वाले यात्रियों के स्वास्थ्य विभाग द्वारा कराए जा रहे कोविड-19 का परीक्षण। देश में एक बार फिर कोरोना की बीमारी तेजी से अपने पैर पसार रही है। इसी को लेकर जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने स्वास्थ्य विभाग को कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार को तेज करने के निर्देश दिए, जिसको लेकर अलीगढ़ बॉर्डर पर जुड़े जितनी भी सीमा वहाँ सभी आने जाने वाले यात्रियों का कोविड-19 टेस्ट किया जा रहा है। कोविड जाँच दिल्ली में चूँकि तीसरा फेज आ गया है और प्रतिदिन केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। यह बॉर्डर का एरिया है, दिल्ली से बहुत लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, इसलिए हमारे सीएमओ साहब ने कल आदेश दिया था उन डीएम जिलाधिकारी सर के आदेश के अनुसार कि बॉर्डर पे दोनों बॉर्डर हैं वहाँ पे जो भी बाहर से आ रहे हैं उनकी जांच की जाए, ताकि कोई भी जो है आपातकालीन स्थिति के लिए हम लोग तैयार रहें। बाहर से जो भी व्यक्ति पॉजिटिव है उनको रोका जाए और उसके इलाज के लिए भेजा जाए। तो ये कोविड जांच कब तक चलेगी? यह अभी अगले आदेशों तक लगातार चलेगी, जब तक कि अगले आदेश ना आ जाए कि इनको बंद करना है या कोई और नए आदेश ना आते, तब तक ये जारी रहेगी। सर अब तक कितनी सैंपलिंग हो गई होगी? अभी लगातार जो है हमारा टारगेट 200 सैंपल प्रतिदिन का है, लेकिन हम अभी 250-300 के आसपास कर रहे हैं। आज 250 के आसपास हो जाएगी सैंपल। कोरोना के बढ़ते कहर को लेकर अलीगढ़ प्रशासन हुआ सख्त। आज हम खड़े हैं यमुना एक्सप्रेस वे इंटरचेंज पुल के पास, जहां शासन प्रशासन के दिशा निर्देश पर अलीगढ़ एनसीआर से आने वाले सभी वाहनों को रोककर कोविड कोरोना की जांच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ब्लॉक टप्पल के स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा की जा रही है। वहीं कोविड कोरोना की महामारी के चलते यात्री भी जागरूकता दिखा रहे हैं और अपनी जांच वाहनों से उतरकर स्वास्थ्य कर्मियों से करा रहे हैं। सक्षम न्यूज इंडिया के साथ अजीत कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।